नमस्कार दोस्तों, मैं तेजराम मेहरा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों, आप लोगों का जो सवाल होता है मैं उनका जवाब देता हूं। तो बहुत सारे लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं और पूछते हैं, सर हमें जब हम टेंडर लेंगे तो हमें कितना पैसा जमा कराना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं ये बात बता रहा हूँ, ये बातें हर स्टेट में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर जगह का अलग अलग रूल है, सरकारी रूल है। इसका कोई आगे पीछे भी हो सकता है, कभी भी ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एवरेज आपको ये बातें बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर हम टेंडर जब भरते हैं तो उस टाइम सिर्फ हमारा 2% EMD भरी जाती है, यानी कि 1 लाख का अगर टेंडर है तो उस पर हमें 2000 भरना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरीके से हम 2% का एवरेज मान के चलते हैं। अब ये तो हो गई हमारी कहानी EMD की, जब टेंडर भरते हैं, लेकिन ये EMD हमारी वापस मिल जाती है। अगर आपका टेंडर नहीं निकलता है तो 10 दिन, 5 दिन या 15 दिन या महीना, जो भी टाइम लगे, वो ऑफिस के हिसाब से होता है, उनको टाइम लगता है काम करने में, तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर ये EMD आपकी टेंडर निकल जाता है, आपका टेंडर हो जाता है, तो उसके बाद आपका जब ये काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में ये EMD आपकी वापस मिल जाती है। अब दोस्तों, आगे एक पॉइंट और आता है इसमें, कि जब हम टेंडर निकल जाता है हमारा, तो उसका कुछ परसेंट और जमा कराना पड़ता है। वो कैसे होता है दोस्तों? एवरेजन इसमें 5% से 8% 10% हो सकता है, क्योंकि हर जगह का अलग अलग रूल है। नॉर्मल हम 5% मान के चलते हैं। दोस्तों, किस तरीके से? जैसे आपका टेंडर 5 लाख रुपए का है, तो आपको 25,000 रुपये आपका जब एग्रीमेंट हो जाता है, तो एग्रीमेंट के टाइम से 10 दिन या 5 दिन या 15 दिन का आपको टाइम दिया जाता है कि इसके अंदर अंदर आप ये पैसे जमा करा दें, नहीं तो आपका टेंडर कैंसिल हो जाता है। तो दोस्तों, एवरेज आप इसको इस तरीके से मान सकते हो कि 5% तो आपका ये हो गया, 2% आपका वो हो जाता है। तो इस तरीके से आप एवरेज, मतलब 5-7% या 8% का खर्चा अपने एक टेंडर पर मान सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।